हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 24 दिसंबर 2019 की प्रीलिम्स अपडेटेड सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज़ की तरफ। पहले जो न्यूज़ आई है वो है विंटर सोलस्टिस के बारे में। देखो, इस बार जो विंटर सोलस्टिस है वो रहा है 22 दिसंबर को। तो यूपीएससी ये पूछ सकती है कि विंटर सोलस्टिस होता क्या है, कौन इस दिन है वो सन की पोजिशन वगैरह कहाँ पर होती है, या फिर आपको ऐसे पूछ लें कि एक ऐसा दिन होता है जिन जो सन की डायरेक्ट सनरेज है वो सदर्न एमोस्फेयर में जो 23.5 डिग्री है वहाँ पे गिरती हैं, तो उस कंडीशन में कौन सा मतलब सोलस्टिस वगैरह होगा, विंटर सोलस्टिस होगा या समर सोलस्टिस, इस तरीके से। तो हम ये जान लेते हैं विंटर सोलस्टिस। विंटर सोलस्टिस का मतलब ये है कि हमारा नदर्न एमोस्फेयर यानी कि नॉर्थ जो गोलार्ध है अर्थ का, इसमें सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है और जो सनरेज है वो डायरेक्टली गिरती हैं सदर्न एमोस्फेयर में 23.5 पे। देखो, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये आपको पता कौन सा है, 23.5 डिग्री साउथ वाला, मतलब इसे क्या कहते हैं, मकर रेखा। तो मकर रेखा पे आज के 22 दिसंबर को सन की रेज है वो डायरेक्टली सीधी गिरती हैं, और कर्क रेखा में इस दिन है वो सन की पोजीशन है वो, मतलब आप ये बोल सकते हो कि डायरेक्ट नहीं होती है। तो इस दिन होता क्या है, विंटर सोलस्टिस के दिन नदर्न एमोस्फेयर में रात है वो सबसे लंबी होती है और सदर्न एमोस्फेयर में दिन है वो सबसे लंबा होता है। तो ये दो चीज़ आप ध्यान रखना कि सदर्न एमोस्फेयर में रात सबसे लंबी होती है और विंटर सोलस्टिस के टाइम पे नॉर्दर्न गोलार्ध में या कर्क रेखा के ऊपर रात सबसे लंबी होती है और मकर रेखा के ऊपर दिन है वो सबसे लंबा होता है, वहाँ पे रात सबसे छोटी होती है। तो इसके बारे में यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। और यह साल में दो बार होता है, एक गोलार्ध में एक बार और एक गोलार्ध में एक बार। तो ये आप दो फैक्ट यूपीएससी आपसे के बारे में पूछ सकती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है नागपुर रिजोल्यूशन के बारे में। देखो, अभी रिसेंटली नागपुर रिजोल्यूशन है, इसको अडॉप्ट किया गया है। तो क्या है नागपुर रिजोल्यूशन, इसे हम देख लेते हैं। न्यूज़ ये आई है कि नागपुर रिजोल्यूशन जो कि एक होलिस्टिक अप्रोच है इम्पावरिंग द सिटीजन्स, मतलब हमारे देश में नागरिकों को इम्पावर करने के लिए एक अप्रोच लाई गई है, एक मेथड है, इसको लेके एक रिजोल्यूशन लाया गया है, उसका नाम है नागपुर रिजोल्यूशन। ये कहाँ पे अडॉप्ट किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अडॉप्ट किया गया है महाराष्ट्र के नागपुर सिटी में। अब हम देख लेते हैं इसके बारे में कि क्या है। देखो, एक रीजनल कॉन्फ्रेंस है जो कि हमारे देश में जो पब्लिक सर्विस होती हैं इनकी डिलीवरी को लेके इम्प्रूव करने के लिए और गवर्नमेंट का रोल है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, इन चीज़ों पे फोकस है वो करती है। इस कॉन्फ्रेंस को इस बार ऑर्गेनाइज किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रोवेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसी के साथ ही महाराष्ट्र की गवर्नमेंट और महाराष्ट्र जो स्टेट कमीशन है राइट टू पब्लिक सर्विस, इनसे इन्होंने मिलकर इस आप बोल सकते रिजोल्यूशन को अडॉप्ट है वो यहाँ पे किया है। एक तरह की कॉन्फ्रेंस थी जिसमें इस चीज़ पे फोकस किया गया कि भाई हम लोगों को एम्पावर है वो कैसे कर सकते हैं। देखो, एक फैक्ट ये भी ध्यान रखने लायक है कि इससे पहले जिससे कि भी नागपुर रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया है, इससे पहले इसी तरीके के शिलोंग डिक्लेरेशन है वो अडॉप्ट की गई है, जम्मू रिजोल्यूशन है वो अडॉप्ट किया गया है। ये किस लिए है, गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस मतलब अच्छा प्रशासन हो, प्रशासन कैसे अच्छा हो सकता है। अब देखो, हम कुछ मेथड जानने की कोशिश करते हैं तब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमारे देश में जनता को एम्पावर करना है कि भाई भी वो पॉलिसी है उसमें इंटरवेंशन करे, मतलब पॉलिसी में इंटरवेंशन का मतलब यहाँ पे ये है कि पॉलिसी में एक तरीके से उनका सपोर्ट रहना चाहिए, उनका डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन है वो रहना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इसी के साथ ही सिटीजन्स को एम्पावर करना है तो हमें बॉटम अप अप्रोच पर फोकस करना होगा। देखो, टॉप अप अप्रोच होती है, एक होती है बॉटम अप अप्रोच। टॉप अप अप्रोच में ये होता है कि जो टॉप लीडर्स होते हैं वो डिसीजन लेते हैं और फिर उनको नीचे की तरफ, या बोल सकते हो कि बॉटम की तरफ इंप्लीमेंट है वो किया जाता है। मतलब एक आदमी ने डिसीजन ले लिया, वो डिसीजन फिर नीचे आम जनता पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है, नीचे जनता की जैसे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं और फिर उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये डिफरेंस होता है। जैसे हमारा नीति आयोग है वो बॉटम अप अप्रोच पर फोकस करता है क्योंकि इसमें जनता की डिमांड है, जरूरत है, उसके हिसाब से डिसीजन है वो लिए जाते हैं। इसी के साथ ही पब्लिक ग्रेवेंस रिफॉर्म, देखो लोगों की भलाई करनी है, लोगों के अंदर आपको एम्पावर करना है लोगों को, तो इसके लिए आपको उनका जो ग्रेवान सिस्टम है, गवर्नमेंट का जो भी मैकेनिज्म है, इसकी मैपिंग को इम्प्रूव करना होगा। इसी के साथ ही मॉनिटरिंग जो मॉनिटरिंग करनी है मैट्रिक्स की, वो डाटा कलेक्शन, जैसे आप ये मान लो कि कोई भी स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट करना है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट के पास पहले प्रॉपर डाटा होना चाहिए कि इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल रहा था, इससे पहले कितने क्या इसका रिजल्ट था, और जब स्कीम इम्प्लीमेंट की गई तो इन लोगों में क्या रिफॉर्म आए। तो एक तरीके का डाटा कलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि हम आराम से इवेल्युएट कर सकें, क्वालिटी देख सकें कि कंटेंट जो भी डाटा गवर्नमेंट ने, मतलब डाटा या जो भी सर्विस गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाई है उसकी क्वालिटी कैसी है। इसी के साथ ही क्रिएटिंग वेब पोर्टल, गवर्नमेंट तरह तरह के वेब पोर्टल क्रिएट करेगी, जैसे जो भी फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है जो भी सर्विस, तो उसके लिए एटलीस्ट एक वेब पोर्टल होना चाहिए ताकि वहाँ पे कोई भी जाके इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस है वो कर सके। तो ये भी इम्पावर करने का एक अच्छा तरीका है। इसी के साथ ही डायनेमिक पॉलिसी मेकिंग के ऊपर फोकस करना होगा, और स्ट्रेटेजिक डिसीजन है वो लेने होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, देखो पॉलिसी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, हर एक कंट्री में पॉलिसी बनाई जाती है, बट दिक्कत क्या होती है,
उनको लागू ढंग से नहीं किया जाता। तो पॉलिसी बनाना एक बड़ी बात नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस काफ़ी जरूरी है। इसी के साथ ही अगर बात करें कोऑर्डिनेशन और इवेल्युएशन, इन चीज़ों पे भी फोकस है गवर्नमेंट को करना होगा। तो इस तरीके के डिसीजन यहाँ पे अडॉप्ट है वो किए गए हैं, और ये सारी चीज़ें मिला के बनती हैं गुड गवर्नेंस। नेक्स्ट जो आर्टिकल वो है अरुणाचल प्रदेश के बारे में। देखो अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट बना है इंडिया में जिसने टीचर्स के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर एक पॉलिसी डिक्लेयर की है 2020 को लेकर। तो क्या है इसे हम यहाँ पे देखते हैं। देखो सरकारी स्कूलों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार तो सेशन चल रहा है, ये मान लो कि जून जुलाई में सेशन स्टार्ट हुआ और बीच में ही जैसे दिसंबर में टीचर का ट्रांसफर हो जाता है, टीचर की वैकेंसी खाली चली जाती है, ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम है वो आती रहती हैं। तो इन्हीं चीज़ों को आप एक तरह से बोल सकते हो कि साइड में करने के लिए एक तरह से ट्रांसपेरेंसी रह सके, एक अच्छी एजुकेशन क्वालिटी है वो बच्चों को दी जा सके, इसके लिए टीचर ट्रांसफर एंड पोस्टिंग पॉलिसी है वो जारी की गई है अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें होगा क्या कि जो अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट है वो स्कूलों को तीन भागों में डिवाइड करी है, तीन कैटेगरी में, एक तो हार्ड स्कूल, एक मिडिल और एक सॉफ्ट वाली। देखो स्टार्टिंग जो नए टीचर होंगे, जो नए फ्रेश आप बोलते हो कि रिक्वायरमेंट जो रिक्रूटमेंट होंगी, उनको फोकस किया जाएगा स्टार्टिंग में कि हार्ड पोस्टिंग एरिया में, वहाँ पे उनको 3 साल की कम से कम पोस्टिंग है वो करनी होगी। इसके बाद में धीरे धीरे उनको अलग एरिया में पोस्टिंग है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। मतलब एक पैटर्न फिक्स किया जा रहा है कि जो फ्रेश टीचर आ रहे हैं उनको इन एरिया में पुलिस जो पोस्टिंग है वो दी जाएगी पहले, 3 साल अगर वहाँ पे कंप्लीट करेंगे इसके बाद में उनको और एरिया में शिफ्ट है वो धीरे धीरे किया जाएगा। अब इसका फायदा क्या होगा और इससे और क्या बेनिफिट होंगे, और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि टीचर के जो ट्रांसफर है उनके लिए फिक्स किया गया है कि जो भी टीचरों का ट्रांसफर है नॉर्मली ट्रांसफर किया जाएगा अप्रैल और मई महीने में, वो भी एक ऑनलाइन प्रोसेस होगी। मतलब ट्रांसपेरेंसी रहेगी, एक वो टीचरों की अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी, साल भर टीचर एक ही स्कूल में रहेंगे तो उनको जो कई बार रहता है कि भाई सिलेबस टाइम पे नहीं हुआ, ऐसे काफ़ी सारी जो इश्यूज होती हैं उनसे निजात है वो मिलेगी, तो बच्चे भी अच्छे से ढंग से स्टडी है वो कर पाएंगे। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश ने ये पॉलिसी पर फोकस किया है। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो एक तरीके से जो पॉलिसी है वो जो भी नीड है स्टूडेंट की उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है एजुकेशन का, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और टीचर्स के लिए भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो भी एकेडमी के जो इंटरेस्ट हैं उसके हिसाब से काम करेंगे। टीचर को भी बीच बीच में से ही नहीं कि साल सेशन के बीच में ही उनको स्कूल छोड़नी पड़ रही है, दूसरे स्कूल ज्वाइन करनी पड़ रही है, ऐसे इश्यू सामने नहीं आएंगे। और ट्रांसफर की जो प्रोसेस है वो भी ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन रहेगी, तो इसमें भी काफ़ी बार धांधलेबाजी के जो इश्यूज होते हैं, आरोप होते हैं, उनसे निजात मिलेगी। तो काफ़ी अच्छी पॉलिसी है, इसका हम मेंस की आंसर राइटिंग में भी यूज है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है मिशन 100%। देखो पंजाब गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ की, वहाँ का अच्छा रिजल्ट आ सके इसके लिए मिशन 100% है वो स्टार्ट किया है। ये जो गवर्नमेंट स्कूल है उनके रिजल्ट को इम्प्रूव करने के लिए फोकस है वो किया जा रहा है। इसमें देखो मेनली फोकस किया जाएगा कि 5वीं 8वीं 10वीं और 12वीं क्लास की जो भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनका रिजल्ट है वो एटलीस्ट 100% रहना चाहिए, मतलब सारे के सारे बच्चे हैं वो पास होने चाहिए अच्छे मार्क्स से। इस चीज़ पर फोकस यहाँ पे किया जा रहा है। इसका एक स्लोगन भी रखा गया है, वो है यहाँ पे असंभव नु संभव बनावे, 100% नतीजा लाइए। तो ये आप यूपीएससी पूछ सकते हैं भाई कौन से स्टेट के द्वारा ऐसी इनिशिएटिव है वो लिया गया है एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है यहाँ पे चिलाई कालन के बारे में। देखो चिलाई कालन है वो अभी कश्मीर में स्टार्ट है, वो है एक तरीके का जो विंटर सीजन है उसी को लेकर स्टार्ट है वो किया जाता है। तो यूपीएससी पूछ सकती है कि कौन से स्टेट से रिलेटेड है। होगा क्या, देखो अभी कश्मीर में जो आगे आने वाले 40 दिन है इनमें सर्दी लगातार कड़कड़ाती पड़ेगी, मतलब सर्दी की संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बढ़ जाएंगी, बर्फबारी है वो भी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए वहाँ पे एक तरीका आप बोल सकते हो कि फेस्टिवल टाइप का है जिसको यहाँ पे इंजॉय या मनाया है वो जाता है। तो यूपीएससी स्टेट के बारे में ज़्यादा इसके ऊपर फोकस है वो कर सकती है। जैसे यहाँ पे दिया गया कि नेक्स्ट जो 40 दिन है उसमें उम्मीद की जाती है कि कश्मीर में जो स्नोफॉल के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे, सबसे ज़्यादा रहेंगे, टेम्परेचर है वो काफ़ी कम रहेगा और मतलब विंटर सीजन का काफ़ी पीक पॉइंट है वो वहाँ पे रहने वाला है। तो इसी को फोकस किया जाता है चलाई कलन के बारे में। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है वेस्ट अफ्रीकन नेशन को लगे। देखो वेस्ट अफ्रीकन नेशन यानी वेस्ट अफ्रीका की जो कुछ कंट्रीज हैं उनकी एक कॉमन करेंसी है, इसका नाम अभी चेंज करके रखा गया है ईको। तो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं, आपको नाम सारे की याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि भी उनकी करेंसी का नाम चेंज करके ईको है वो कर दिया गया है। इससे पहले जो उनकी करेंसी थी उसका नाम था CFA फ्रेंक, ये आप ध्यान रखना CFA फ्रेंक है वो उनकी पहले कॉमन करेंसी थी, जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन की एक कॉमन करेंसी थी उसी तरीके से अफ्रीकन जो वेस्ट अफ्रीकन सॉरी कंट्रीज हैं उनकी एक कॉमन करेंसी थी जिसका नाम था CFA फ्रेंक, और अब उस करेंसी का नाम चेंज करके रखा गया है ईको। देखो स्टार्टिंग में जो ये कंट्रीज थी ये फ्रांस की आप बोल सकते हो कि कॉलोनी है वो रही हुई हैं। कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं इसमें, इसमें आती हैं जैसे माली आती है, यहाँ पे बुर्किना फासो है,
बेनिन आती है, नाइजर आती है, टोंगो आती है, गुनिया बेसू, ऐसी कुछ कंट्रीज हैं वो इसमें शामिल हैं। तो एक बार हम थोड़ा लोकेशन देख लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो जाती है। ये है देखो, यहाँ पे ये कंट्रीज हैं जिनकी कॉमन करेंसी है सीएफए फ्रेंक, और अभी इसका नाम चेंज करके रखा गया है इको। देखो इसी कोस्ट को है ना, आपको पता हो तो ओवेरी कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये हमने मैपिंग में पहले खैर डिस्कस भी किया है। ओवेरी कोस्ट इसे कहा जाता है क्योंकि यहाँ से जो आप बोल सकते हो कि ब्रिटिश जो टाइम था कॉलोनी का, उस टाइम पे यहाँ से जो हाथी दांत है ओवेरी, उनकी स्मगलिंग या उनका ट्रेड है वो किया जाता था इस तरीके से, इस कोस्ट से, क्योंकि यहाँ पे हाथी काफी ज्यादा थे, तो इसलिए इसको ओवेरी कोस्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे गोल्ड कोस्ट भी था कि उससे गोल्ड की स्मगलिंग होती थी, स्मगलिंग या बोल सकते हो ट्रेड होता था। तो मेनली वेस्ट अफ्रीका में ही है। आप लोकेशन ध्यान रखना कि कहाँ पे है ये ओवेरी कोस्ट, वेस्ट जो गोल्ड कोस्ट वगैरह इस तरीके से। अब हम देखते हैं आज का कुछ क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा हुआ है। क्वेश्चन ये है कि आपको एक स्टेट को आइडेंटिफाई करना है, उसके कुछ कैरेक्टर दिए गए हैं उसके बेसिस पे। जैसे पहला कैरेक्टर ये दिया गया है कि सेम लेटीट्यूड में है जिस लेटीट्यूड पे राजस्थान लोकेटेड है। सेकेंड यहाँ पे दिया गया कि उसका 80% जो एरिया है वो फॉरेस्ट कवरेज है। अब देखो अगर आपको पता हो तो इंडिया में एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसपे 80% फॉरेस्ट एरिया कवर हो, कौन सा है वो आप बताओ। अब आराम से अगर आपको सेकंड फैक्ट पता है, ये काफी बार हमने देखा डिस्कस भी किया है। इसके साथ थर्ड स्टेटमेंट ये दिया गया है कि 12% जो एरिया है वो फॉरेस्ट कवर है जो कि प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में शामिल है। वो है मतलब फॉरेस्ट का जो 12% एरिया है वो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में शामिल है। तो अब आपको पता नहीं कौन सा ऐसा स्टेट है। ये देखो जो स्टेट है आप सोचिए कौन सा हो सकता है। ये जो स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का 80% एरिया वो फॉरेस्ट कवर में है और जो सेम लैटिट्यूड है उसी पे लोकेटेड है। आपको पता होगा कि जो कर्क रेखा है वो इधर से पास से वो होती हुई जाती है। चलो आप ये बताओ कि जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो कौन कौन से स्टेट से होके जाती है इंडिया से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने यहाँ पे है, इसका तो आपने आंसर यहाँ पे देख लिया हुआ है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या। क्वेश्चन ये है कि आपके सामने पेड़ दिए गए हैं और एक साइड है पार्क और एक साइड देखे हैं रिवर। पहला दिया गया है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क, सामने दिया गया गंगा रिवर। दूसरा दिया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क, दिया गया है मानस। तीसरा दिया गया है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, यहाँ पे दिया गया कावेरी। तीनों के तीनों ही अगर हम बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे गलत है, करेक्ट मैच कोई सा भी नहीं है। तो इसका आंसर वैसे अपने आप हो जाएगा डी, नन। तो इस तरीके के यूपीएससी ने पहले क्वेश्चन पूछे हैं। अब हम रिवाइज करते हैं आज हमने क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने विंटर सोल्स्टिस के बारे में जाना कि इस दिन है वो नॉर्दर्न एमएसपीएन में दिन सबसे छोटा होता है, यानी कि रात सबसे लंबी होती है, और सदर्न एमएसपीएन में रात है वो सबसे छोटी और दिन सबसे लंबा होता है। फिर हमने नागपुर रिजोल्यूशन के बारे में जाना जो कि गुड गवर्नेंस को लेकर एक अच्छा इनिशिएटिव है, लोगों को एम्पावर करने के लिए स्टार्ट है वो किया गया है। इसी के साथ हमने यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की जो टीचर्स एंड ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी है 2020 उसको कवर किया। फिर हमने मिशन शत प्रतिशत को कवर किया यहाँ पे। फिर हमने चिल्लाई कलन, फिर एक तरीके का विंटर जो सीजन है जम्मू एंड कश्मीर का, उसको डिस्कस किया। साथ ही हमने जो वेस्ट अफ्रीका की कॉमन करेंसी है, सॉरी वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज की, उसके बारे में डिस्कस किया इको के बारे में। ये थी आज की हमारी डिस्कशन। फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।